कवर है वो अवैध बनाया गया है, मानचित्र के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और क्या वेरीफाई किया गया है आज? उनके द्वारा जो भी आवेदन दिया था उसके निराकरण के बाद उस पर कार्रवाई की गई है। नहीं, कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था। बीते कुछ दिनों पहले हमने इसके यहाँ पे रेड करी थी सट्टे की, जिसके अंदर हमको कुल 4.5 किलो के आसपास सोना जब्त किया था हमने। इसके साथ साथ हमें नगद रुपए भी मिले थे 20 लाख के आसपास। उसमें ये आदमी जो मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसके ऊपर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो उसी सिलसिले में इसकी जो भी सरकार का गुंडा विरोधी अभियान रहता है उसके तहत इसके जो भी अवैध मकान है और जो भी मकानों का अवैध हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है। पूर्व में भी इसके काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, मुख्यतः सट्टे से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड। तो उसी तहत इसके मकान तोड़ा जा रहा है। सर, कल भी यहाँ पर टीम पहुँची थी लेकिन बिना कर रहे थे, रोकना पड़ा, क्या कारण सामने आ रहा है आज? किस तरीके से कल इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमको प्रस्तुत किए थे माननीय न्यायालय द्वारा, तो उन डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया गया और अवलोकन करने के बाद ये पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्टे इनको दिया नहीं गया था। तो उसके बाद इनके घर पर अभी कार्रवाई की है हमने। तो कितना हिस्सा सर आज तोड़ा जाना है? हाँ, ये नगर निगम वालों को पता है, एक्चुअली वो वेरीफाई करते हैं इसके अंदर कितना हिस्सा वैध है कितना अवैध है, बट काफ़ी हिस्सा हमने अभी ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा भी और कुछ मकान चिन्हित किए गए हैं इसके अलावा? इस सिलसिले में चूँकि इसमें सोना जब्त किया था तो हमने IT विभाग को भी लिखा है इसके सिलसिले में, वो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ का और साथ में जो भी इनका है सबका अवलोकन करेंगे और उस हिसाब से वही कार्रवाई करेंगे। हमने अपने ओर से जो कार्रवाई होती है हम करेंगे। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।